आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर के एमएस फाउंडेशन के अध्यक्ष व एमआईएम समर्थक वसीम उर्फ मुखरी सालार और उनके साथियों ने मिलकर आज मंगलवार 22 अक्टूबर 2024 को माकप नेता व माजी आमदार आडम मास्टर के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी में प्रवेश किया। साहब आने से आडम मास्टर आमदार बनना ये तय हुआ। लोग बोल रहे अभी कौन आया, भारतीय जनता पार्टी उनके सब उनके पिल्लू वो बोल रहे आडम मास्टर को गिराने को मोदी आ रहा, जिसके पीछे अल्लाह रहता है कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं, रे नगर में नगर पालिका बनेगा। मुखरी साहब आज तक तुम्हारा इस्तेमाल करें, मुसीबत के वक्त पहुंच जाए आप मेरे को आवाज दो, रात को 12 बजे आडम मास्टर तुम्हारे दरवाजे पर आए। अनको मैं नॉमिनेशन भरने के वास्ते जा रहा हूं, सालार साहब से मेरी गुजारिश है उस दिन ऐसा लोग लेकर आओ, वो नॉमिनेशन की रैली नहीं है वो विजय की रैली होगी। मैं सरकार पूछना चाहता हूँ, आज पहले तो मैं बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ लाने में कोशिश करे और मैं हमेशा से तुम देखे भी मैं पैसे को नहीं देखता और ये ऐसी पार्टी है या पैसे हाथ के पैसे में तो काम करना पड़ता है और जब ऐसी पार्टी में आपको हाथ के पैसे में आपको काम करना पड़ता है तो क्यों करते हैं? आदमी अच्छा है लोगों के काम करता है इसलिए हम ये पार्टी से जुड़े हैं। मास्टर मेरे को तुम्हारी से क्या भी अपेक्षा नहीं है, मेरे को खाली अपेक्षा मैं मेरे जो जो उंगली करते हैं खाली तुम मेरे पहाड़ के सर का तुम मेरे पीछे रहो, बाकी कौन ध्यान दे? कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता तुम नहीं लगा सकता, मैं उनकी सारा बता सकता कौन? तुम्हारे वास्ते मैं अच्छी से अच्छा बेहतरीन काम करूंगा। आज जो मुझे तकलीफ भी आज ये इतना बड़ा डिसीजन लेने की वजह मैं सबको सफाई देने के वास्ते पैदा नहीं हुआ, मैं किसको सफाई नहीं दूंगा। मेरी जो परेशानी मेरी जो तकलीफ है वो मेरे को मालूम है, मेरे को तुम सुनने का नहीं वाला चला सकते, मेरी तकलीफ ले सकते क्या कौन? नहीं ले सकता, मेरे को तकलीफ हो रही। मास्टर मेरे को वादा करें उनके साथ साथ हमारे दोस्त है भारत रफी चाचा यूसुफ मेजर है अन्ना है कलबुर की ताई बहुत सारे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ते मास्टर मेरे साथ 4-5 साल से टच में, कुछ कार्यकर्ते मेरे साथ जेल में भी थे और जेल में भी था मैं हर टाइम, मेरे को हर टाइम फंसाया गया, कोई मेरे वास्ते आवाज नहीं उठाया, हर टाइम मुझे मेरे ऊपर नाइंसाफी होती गई, मेरे ऊपर इतना बड़ा क्रिमिनल गुंडा बना के रखा मेरे को सोलापुर जिले में जबकि मैं था नहीं। मेरे ऊपर खोटे टेक्निकल केसेस करके करे मास्टर आप खाली ये जिम्मेदारी लो मेरे पीछे ठहरो, बाकी पूरे सोलापुर में कम्युनिस्ट पार्टी को पैसा बढ़ाने का मैं वो काम करूंगा इंशाल्लाह। और मैं आया पूरे ईमानदारी से और जहाँ भी गया मैं जिससे भी इससे पहले भी जिसका काम कराया पूरे ईमानदारी के साथ कराया और यहाँ भी ईमानदारी के साथ ही इंशाल्लाह काम करूंगा। बस इतना कहते हुए मैं मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज़।